हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शादी पन्ना एजुकेशनल अकेडमी। चलो इस वीडियो में जो हमारे एग्ज़ाम आ रही है ना अभी 19 तारीख से, तो ग्रामर में से हम चार चैप्टर हमने पूछे हैं आपको, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6। ओके, तो अभी हम 3 और 4 का एक बार ओरल रिवीजन कर लेते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं आपको समझाऊंगे, खाली ऊपर हम रिवीजन कर लेंगे। चैप्टर नंबर 3 में है पॉजिटिव प्रोनाउंस एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव प्रोनाउंस किसको कहते हैं वो तो आपको पता ही है, माइन, योर्स, हर, हीज, वो सबको हम प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और पॉजिटिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं, तो यहाँ पे उसके एग्जांपल दिए गए हैं कि इट इज़ माय बुक, तो जो माय है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, और द बुक इज़ माइन, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। ये दोनों के बीच में इतना फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे दिए है। देखो, ये आप स्टडी कर लोगे तो आपको आधा ऊपर का चैप्टर तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये इसका पॉजिटिव प्रोनाउन हुआ, ये इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। तो आपको इसमें से ये वाली जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें से आपको आ सकता है कि यहाँ पे जो प्रोनाउन दिया है उसका आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको लिखना है, तो ये आपको स्टडी करना है। उसके बाद इसमें से आ सकता है कि भाई प्रोनाउंस पे सर्कल करो, एडजेक्टिव अंडरलाइन करो, जो आपको पूछा जाए उस हिसाब से आपको करना है। उसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। इसमें कंपैरिजन वाला यानी वो डिग्री वाला था, 3 डिग्री वाला मैंने आपको सिखाया था, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें से ये वाली फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है। इसमें मैंने आपको आंसर के साथ सिखाया था कि पॉजिटिव डिग्री सिंपल डिग्री होती है, और उसके बाद जो कंपेरेटिव डिग्री होती है वो उसमें जो दो चीज़ होती है उसमें से कोई एक चीज़ को ज़्यादा बेटर बनाने के लिए कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। जैसे कि सोनू और मोनू, तो सोनू मोनू से ज़्यादा होशियार है, तो यहाँ पे दो लोगों की कंपैरिजन करी, उसमें से एक को ज़्यादा बेहतर बनाया, तो तब कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कब होता है, जब बहुत सारे लोग हैं कि पूरे क्लास में से जो सोनू है वो सबसे ऊंचा लड़का है, तो पूरे क्लास यानी सब बहुत सारे लोगों में से किसी एक को हम बेहतर बनाएं, तो उस टाइम पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। तो वो आपको स्टडी करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। उसके बाद जो ये लास्ट वाली एक्सरसाइज है वो आप लोगों को कंप्लीट करनी है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिए हैं और आपको आंसर पीछे भी दिए गए हैं, तो आपको इसमें से स्टडी कर लेना है अच्छे से। ये 2 चैप्टर में से इतना आएगा, बाकी का जो 2 चैप्टर में से क्या आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।